हाय एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने इनिशिएशन ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन डिस्कस कर लिया था, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं इनिशिएशन फेज का, फिर इलोंगेशन वाले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमारा इनिशिएशन फेज था उसमें हमने ये देखा कि जो पर्टिकुलर 30S सब यूनिट है राइबोसोम का, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात हो रही है तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होगा, उसमें दो सब यूनिट होंगे 30S और 50S। 30S स्मॉल होगा, 50S लार्ज होगा। जो 30S सब यूनिट है उसमें तीन साइट्स थी। ई पे IF3 था, इनिशिएशन फैक्टर 3। साथ ही साथ ए पे क्या था, इनिशिएशन फैक्टर 1 यानी IF1, और साथ ही साथ एक और था IF2 जिसके साथ GTP लगी हुई थी। ठीक है, ये तीन चीजें थी, यानी पी वाला साइट खाली था। अगर आपने इनिशिएशन वाला वीडियो देखा तो आपको चीज क्लियर हो रही होंगी, क्लिक कर रही होंगी आपको चीजें। टेंशन नहीं लो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उसको देख लेना फिर इस पे आ जाना। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई थी। उसके बाद एक एक्टिवेटेड टीआरएनए था, वो भी हमने देखा था कि पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया उस एक्टिवेटेड टीआरएनए, फिर वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए पे लगाया तो चार्ज टीआरएनए हो गया, टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब उस पर्टिकुलर टीआरएनए को पी वाले साइट पे लाया, सबसे पहला टीआरएनए पी साइट पे आता है विद द स्पेशल अमीनो एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ मेट अमीनो एसिड, यानी फॉर्माइलेटेड मिथियोनीन अमीनो एसिड को लेके टीआरएनए आता है, सबसे पहला होता है ये। ठीक है, भले प्रोकैरियोट्स की बात हो या यूकैरियोट्स की बात हो, दोनों में ये पहला होगा। और इनका इनिशिएटर कोडॉन क्या होगा, AUG, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, ये हमने बनाया है, अपन ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में वही। अब अपन को ये देखना है कि यहां से IF1 रिलीज हो चुका था, IF2 रिलीज हो चुका था, IF3, ये तीनों यहां से निकल चुके थे। अब ये वाली साइट भी एम्प्टी है, ये वाली साइट भी एम्प्टी है। अब क्या होगा, अब जो आगे होगा वो इलोंगेशन फेस कहलाएगा, उसमें कैसे क्या चीजें होंगी उसको देखना है। ठीक है, इससे पहले कि हम इलोंगेशन फेस स्टार्ट करें उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं पहले उसका देख लेते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, तो उनको हम बोल देंगे इलोंगेशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर। जैसे इनिशिएशन फैक्टर थे वैसे इलोंगेशन फैक्टर्स हैं। एक होता है EFTU, एक हो जाता है EFG, और थर्ड होता है EFTS, तीन होते हैं। और एक और कौन सा होता है, EFTS। ठीक, अब ये जो है इट ब्रिंग्स न्यू चार्ज्ड टीआरएनए एट ए साइट। अब ये क्या करेगा, हर एक नए टीआरएनए को जो चार्ज्ड है, जिसके ऊपर अमीनो एसिड लगा है, उसको ए साइट पे लाएगा, क्योंकि ई साइट और ए साइट तो खाली हो गए, पी साइट पे अब एक टीआरएनए बैठा है अकॉर्डिंग टू द इनिशिएशन फेज, राइट। ये क्या करेगा, इट मूव्स राइबोसोम फॉरवर्ड बाय यूजिंग जीटीपी। कितना आगे बढ़ाएगा राइबोसोम को, वन कोडॉन यूनिट, मतलब तीन न्यूक्लियोटाइड है तो एक कोडॉन है, यानी अब और तीन न्यूक्लियोटाइड पे जाएगा, यानी अगले कोडॉन पे जाएगा, कैसे वो अपन देख लेंगे। ये क्या करेगा, इट रीजनरेट्स जीटीपी यूज्ड बाय EFG एंड EFTU। तो ये भी जीटीपी यूज करता है, ये भी जीटीपी यूज करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर ये पहले तो जीटीपी बाउंड नहीं होते, थोड़े टाइम बाद जीटीपी बाउंड हो जाते हैं अपना काम करने के लिए, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, एनर्जी लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, सब समझते हैं। हमारे पास ये mRNA है, अब अपन क्या करेंगे, वो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस बार बार नहीं बनाएंगे क्योंकि अपन वो डिस्कस कर चुके हैं। यहां कहीं पर इसका एक इनिशिएटर कोडॉन था,
इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं, इतना इधर बना लेते हैं, AUG। इसके साथ एक tRNA लगा हुआ था इस तरीके से, ये कौन सा है, एफ मेट यानी फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, ये इस तरीके से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, UAC। क्लियर, एंटीकोडॉन क्या, UAC। अब यहां पर लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का और यहां पर स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, इसको दूसरे कलर से बना लेंगे। इसकी तीन साइट है, एक दो तीन, यहां पर भी ये तीन साइट है, ये होती है ई साइट, ये होती है पी साइट, ये होता है ए साइट। ई को हम बोलते हैं एग्जिट, पी को बोलते हैं पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा जहां पे एंटीकोडॉन कोडॉन लग जाते हैं टीआरएनए के एमआरएनए पे। दूसरा ए जो है वो क्या है, न्यू साइट, या बोल सकते हैं अ साइट वेयर न्यू चार्ज टीआरएनए इज प्लेस्ड, राइट, अपन ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या होगा, यहां पर एक नया टीआरएनए है इस तरीके से, इसके ऊपर कोई अमीनो एसिड लगा है, यहां पर कोई दूसरा अमीनो एसिड है, एक और आई मीन एक और टीआरएनए जिसके ऊपर कोई दूसरा अमीनो एसिड लगा है, और यहां पर एक और है, ऐसे बहुत सारे टीआरएनए अब चार्ज हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। अब एक इलोंगेशन फैक्टर है EFTU, ये इस तरीके से यहां पर है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले GTP के साथ जुड़ेगा। जब ये GTP के साथ जुड़ेगा तो यहां पर बनेगा EFTU GTP, इसको अपन कहते हैं बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, बाइनरी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, इधर लिख देता हूं मैं EFTU GTP, अब जुड़ेगा एक्टिवेटेड या चार्ज्ड टीआरएनए के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने लगेगा हमें, एक टीआरएनए है उसमें एक अमीनो एसिड लगा है, उसमें एक अमीनो एसिड लगा है, ये हमने देख लिया, और यहां पर एक सेकंड इसको सही से लिख दें, उसके साथ EFTU GTP इस तरीके से लग गया। ठीक है, कौन से लूप में लगा होगा ये आपको ध्यान रखना है। जब मैंने टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि मैं ये बताऊंगा कौन सा लूप पे इलॉन्गेशन फैक्टर लगता है, तो EFTU बाइंड्स ऑन डी लूप, जिसको हम कहते हैं एक और नाम DHU लूप। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको अब वो डायग्राम और सारी प्रोसेस क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलो ये चीज हो गई, तो यहां पर बन जाएगा टर्नरी कॉम्प्लेक्स, यहां पे बन जाएगा ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टीआरएनए है, EFTU है, GTP है, अभी क्या करेगा ये, इसको गाइड करेगा, इसको लेके जाएगा कहां पे, ले जाएगा ए साइट तक। कहां पे ले जाएंगे हम, ए साइट तक, लेकिन ये जाएगा कैसे, ये तो अभी जुड़ गए हैं, इसके पास एनर्जी है, तो इससे पहले कि ये जाए तो ये टूटेगा, मतलब यहां से हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर देंगे, हम यहां से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर देंगे, तो आगे क्या बच रहा होगा, EFTU GDP और इसके साथ एक टीआरएनए लगा था, ये बच रहा होगा पीछे।
राइट, क्या बच रहा है? टीआरएनए जो एक्टिवेटेड है, जिसके साथ एक अमीनो एसिड लगा है, और ये जीडीपी ईएफटीयू। हमने जीटीपी तोड़ा, हाइड्रोलिसिस किया तो एनर्जी मिल गया। अब ये इसको यहां तक लेके आएगा और ये यहां पर बाइंड होगा, यहां पर ये ऐसे जुड़ेगा। ये लो, यहां पर ये जुड़ गया। अब यहां पर भी अपने कोडॉन्स को इस तरीके से एमआरएनए के साथ तो जुड़ेगा, यहां पर ये देखो ये बॉन्ड से जोड़ देगा, ये टीआरएनए फिक्स हो गया। टीआरएनए जुड़ा रहेगा, राइबोसोम आगे मूव करता रहेगा, ठीक है? टीआरएनए, जैसे ये टीआरएनए है और ये पूरा एमआरएनए, तो टीआरएनए ऐसे जुड़ जाएगा। एंड सपोज दिस इज द राइबोसोम, तो राइबोसोम आगे मूव कर जाएगा, टीआरएनए वही रहेगा। बस टीआरएनए के लिए क्या होगा, राइबोसोम की साइट बदल जाएंगी, कभी ए कभी पी कभी ई, ठीक है? ये हो गया, इसके साथ एक अमीनो एसिड लगा है इस तरीके से, इसको हम ये कलर कर देते हैं तो आपको सेम लगेगा, जिससे ये हो गया, ठीक है? ये हमें क्लियर हो गया इतना, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, इस पी वाले साइट पे एक्टिविटी प्रेजेंट है, पैप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, जो कौन करता है, 23SRRNA करता है, जो कि 50S सब यूनिट में प्रेजेंट है। तो इनिशिएशन का पूरा काम 30S सब यूनिट का है, इलोंगेशन का पूरा काम 50S सब यूनिट का है, ठीक है? एक और नया पॉइंट हमारे पास आ गया हमारे नोट्स के लिए, ये चीजें हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर है, इसका जो COOH ग्रुप होगा और इसका जो अमीनो ग्रुप होगा, तो इसका COOH जो है वो इसके अमीनो ग्रुप पे अटैक करेगा। पुराने टीआरएनए का जो पी साइट पे है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COO ग्रुप अटैक करेगा न्यू टीआरएनए पे जो कि ए साइट पे है, उसके अमीनो ग्रुप पे। यानी यहां कर लिख देता हूं मैं, तो उसको लिख लेना एज अ पॉइंट, ओल्ड टीआरएनए जो पी साइट पे है, इसका COO ग्रुप है जो अटैक करेगा ऑन न्यू टीआरएनए जो ए साइट पे है। कहां पे अटैक करेगा, उसके अमीनो ग्रुप पर, ठीक है? क्लियर, चल ये चीजें हो गई। अब उस कारण क्या होगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो रेड वाला अमीनो एसिड दिख रहा है ये ब्लू वाले के ऊपर जुड़ जाएगा, यानी अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम इसको अगर दोबारा बनाएं, ये अब हमें ऐसा दिखेगा, ये 5 प्राइम है एमआरएनए का, ये 3 प्राइम है, यहां पर यही वो राइबोसोम प्रेजेंट है जो हम देख रहे थे अभी, इसकी वो तीनों के तीनों साइट्स बना लेते हैं, ये हो गया। यहां पर एक टीआरएनए था ये वाला, ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? ये इधर ट्रांसफर हो गया है तो इसको अभी मैं मिटा दूंगा बाद में। यहां पर एक दूसरा टीआरएनए है जिसके साथ ये एक ब्लू कलर का अमीनो एसिड जुड़ा था, अब ये रेड वाला इसके ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, क्योंकि वो पहले आया था ना, तो सबसे ऊपर वही रहेगा। ये हो गया, ये इस तरीके से जुड़ा था एंटीकोडॉन कोडॉन से, ऐसे जुड़े हुए थे। ये ई साइट थी, ये पी साइट थी, ये ए साइट थी, सेम इधर पर भी वही है, ठीक है? अभी इसके साथ तो कौन जुड़ा हुआ था, ई एफ टी यू जी डी पी, ये जुड़ा हुआ था। अब यहां रोल पे कौन आएगा भाई, यहां पर आएगा ई एफ टी एस, ये आता है, ये यहां से किसको रिलीज कर देगा, ई एफ टी यू जी डी पी को, तो रिलीज कर देगा ई एफ टी यू को एंड जी डी पी को, और यही वाले भाई साहब इस जी डी पी को कन्वर्ट कर देंगे जी टी पी में, जिससे कि फिर से कोई ई एफ टी यू आएगा, जी टी पी से जुड़ेगा, दूसरे टी आर एन ए को लेके आएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या होगा, साथ ही साथ
वैसे तो मुझे इसको कहीं नीचे जोड़ना चाहिए था, मैं जो प्रोटीन बना रहा हूँ पर जगह नहीं है तो इधर बना दे रहा हूँ। EFG आएगा, ये भी किसके साथ तो जुड़ा है भाई, GTP, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, GTP के साथ तो जुड़ा है। ठीक है, ये क्या करेगा, राइबोसोम को पकड़ के आगे मूव कर देगा, वन कोडॉन यानी तीन न्यूक्लियोटाइड के बराबर आगे मूव कर देगा। तो अभी डायग्राम कैसा दिखेगा वो देखो, फिर से mRNA बना लो। ठीक है, इस तरीके से ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये ई साइट, पी साइट, ए साइट, सेम यहां पर भी बना लो, ए पी और ई। ठीक, अब यहां पर अभी भी वो प्रोटीन जुड़ा है ई एफ जी, लेकिन अब इसके साथ तो कौन होगा, क्योंकि इसने आगे मूव कर दिया था तो GDP, GTP से क्या कन्वर्ट हो गया, GDP, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट से ग्वानिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि यूज कर लिया एक फॉस्फेट। अब जब आगे बढ़ेगा तो जरा पहले यहां देख लो, ये पी वाले साइट पे था, जब राइबोसोम आगे बढ़ेगा तो टीआरएनए तो जुड़ा हुआ है ना, टीआरएनए तो जुड़ा हुआ है, और ये राइबोसोम है पूरा, टीआरएनए जुड़ा है, राइबोसोम ये है, तो राइबोसोम इस तरीके से आगे मूव कर जाएगा, लेकिन टीआरएनए वही रहेगा। अगर टीआरएनए वही पर रहेगा तो ये वाला टीआरएनए के लिए नई साइट कौन सी हो जाएगी, ई वाली, इस वाले के लिए कौन सी हो जाएगी, पी वाली, यानी राइबोसोम आगे बढ़ गया, टीआरएनए वही के वही रह गया, तो पुराना वाला टीआरएनए ई वाले साइट पे आ गया, क्योंकि इससे अमीनो एसिड हट गया, तो ये कैसा हो गया, अनचार्ज्ड, ये वाला अनचार्ज्ड है, तो उसको ई वाले साइट से बाहर फेंक देंगे, एग्जिट करवा देंगे एग्जिट साइट से इसको। और जो नया टीआरएनए आया था थोड़ी देर पहले, जिस पे ये ब्लू वाला अमीनो एसिड था और जिसके साथ ये रेड वाला अमीनो एसिड लग गया था, अब वो पी वाले साइट पे, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज साइट पे आ चुका है। अब ऐसी कोई नया टीआरएनए फिर से EFTU की मदद से इधर आ जाएगा, जिसके ऊपर कोई नया लगा है, राइट, फिर से ये वाले भाई साहब इस पे अटैक मार देंगे। अब ब्लू वाला और जो रेड वाला था, तो रेड ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तीन बन जाएंगे, यानी अभी ऐसा दिखने लगेगा कुछ टाइम बाद। ये ऐसा हो जाएगा, तीन जुड़ गए, फिर से आगे मूव कर जाएगा, फिर से ये होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक यहां पर कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए, UGA, UAG, UAA, इनमें से कोई ना आ जाए तब तक ये मूव करेगा, स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो टर्मिनेशन आ जाएगा, जब रिलीज फैक्टर्स आ जाएंगे, और रिलीज फैक्टर्स का हम काम अगले वीडियो यानी टर्मिनेशन वाले पर देखेंगे। ठीक है, तो ये था भाई अपना इलोंगेशन को लेके, थोड़ा स्लो वीडियो बनाया अपने क्योंकि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, एक बार और जरा आप रिकैप देख लो शॉर्ट में, अगर कुछ मिस हो गया हो आपका। सबसे पहले हमें पता है कि इनिशिएशन के टाइम पे हमारे पास दो सब यूनिट्स थे, 30S एंड 50S, 30S सब यूनिट के साथ IF3, IF1, IF2 जुड़ा था, और साथ ही साथ एक और टीआरएनए आ चुका था जो एफ मेट टीआरएनए, फर्स्ट टीआरएनए फॉर्मिलेटेड मिथ्योनिन वाला टीआरएनए, वो आके पी साइट जो खाली थी उस पर बैठ गया। अभी मूव कर जाता है आगे थोड़ा स्टेप में, जब 50S सब यूनिट आने वाला होता है, जैसे ही नया टीआरएनए लग गया एफ मेट वाला तो IF3 निकल गया, 50S सब यूनिट बैठने लगा, जब 50S सब यूनिट बैठने लगा तो IF2 का जो GTP था वो टूट के GDP में कन्वर्ट हो गया, और उसके कारण IF2 IFN दोनों निकल गए। अब 50S सब यूनिट बैठ गया तो हम चले गए इलोंगेशन में, इलोंगेशन में क्या हुआ, EFTU आया, उसने GTP को पकड़ा, तो EFTU GTP कॉम्प्लेक्स यानी बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना, उसके साथ फिर एक्टिवेटेड टीआरएनए लगा तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स, अभी जाके राइबोसोम में ए साइट पर बैठ गए, बैठ गए तो पुराना टीआरएनए जो एफ मेट वाला था, उस अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसने नया टीआरएनए जो ए साइट पे है उसके अमीनो ग्रुप पे अटैक कर दिया, तो ये पुराना
अमीनो एसिड जो पुराने टीआरएनए पे है यानी पी साइट वाले पे, वो ट्रांसफर हो जाएगा अमीनो एसिड ए साइट वाले पे यानी उसके ऊपर लग जाएगा, और राइबोसोम एक यूनिट आगे बढ़ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ई एफ जी। क्लियर? टीआरएनए वही, राइबोसोम आगे, तो पुराना टीआरएनए जो अनचार्ज है वो ई साइट पे आ जाएगा, उसको बाहर फेंक देंगे। मतलब अब ये जो स्टेप हमने बनाई थी, ये जब ये वन कोडॉन फॉरवर्ड जाएगी अब दोबारा, तो इसको बाहर फेंक देंगे, इसको फेंक दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जगह कौन लेगा, ये ले लेगा, इसकी जगह कौन लेगा, इधर ही आ जाएगा, और इधर पे फिर से कोई न्यू आ जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इलोंगेशन फैक्टर टी यू जो है, मतलब ई एफ टी यू, इसको कौन इनहिबिट करता, तो हम बोल देंगे कीरोमाइसिन इनहिबिट करता है। क्या ई एफ जी का कोई दूसरा नाम है, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्शन क्या है भाई ट्रांसलेशन का, 5-2-3। अमीनो एसिड एक के ऊपर एक जुड़ रहे हैं, तो वो किस फैशन में जुड़ रहे हैं, ओ टू एन माइग्रेशन में जुड़ रहे हैं। अब देखो भाई, जिसने वीडियो एंड तक नहीं देखा होगा उसने ये इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी होंगी जो सी एस आर नेट में आती हैं, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ वीडियो एंड तक देखो, कई इंपॉर्टेंट चीजें मैं लास्ट में जानबूझ के बताता हूँ कि जब आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तब आप इसको कनेक्ट कर पाओ। क्लियर? तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना। आपके लिए छोटी सी चीज़ है लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।